नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम दोपहर में आए हैं चरणदास रेड़ी, चना कुलचा राजमा चावल विद पनीर। चना कुलचा विद पनीर, राजमा चावल विद पनीर। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जम्मू डीसी रोड पर, यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ फूड जॉइंट्स हैं। ये रोड साइड जो भारत में इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं। ये देखिए जी, नमस्ते जी। ये देखिए जी, पनीर का कितना बड़ा टुकड़ा डाला है। अरे वाह, ये ऊपर राजमा आ गया जी। ये डबल पनीर है जी इसमें। ये कितने का है जी? 130 का। 130 रुपए का। ये ऊपर खट्टी चटनी आ गई जी। ये मसाला आ गया, चटनी आ गई। और ये मसाला चटनी दोनों चीजें इसमें। प्याज और ऊपर से प्याज है जी। और ये देखिए, अब ये देखिए जी, अभी ये खाएंगे और इनसे हम पूछेंगे कि आपको कैसा लगा, कहाँ से आए हैं आप। अच्छा, वो गाड़ी में देने जा रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ बड़ी संख्या में सभी लोग खाने के लिए आते हैं। स्वाद जो है वो बार बार सबको अपनी ओर खींचता है। क्यों जी, कितना समय हो गया आपको जी? नमस्ते, पहले आपका थैंकफुल। अरे अरे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर, मैं 1962 से शुरू किया था, मेरे नाना ने। 1962 में मैं तब पैदा हुआ था। मेरे नाना ने। अच्छा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं छोटा था तो इनकी हेल्प करवाया था नाना जी की। स्कूल से छुट्टी होनी तो उनकी हेल्प करवा देनी जी। फिर उसके बाद वो 2010 में एक्सपायर हो गए। हाँ, तो उसके बाद मैं आप फुल टाइम इसको शुरू करना है। आपका नाम? मेरा नाम विक्की है। विक्की है, तो ये नाना जी का नाम ही है। चरणदास इनके नाना जी हैं जी। उन्होंने हमने रोशन किया था। बहुत बढ़िया जी, एक अच्छी सोच है। चलो, थैंक यू। और ये राजमा जो बनाते हैं, ये राजमा कहाँ के होते हैं? ये पहाड़ी इलाके के होते हैं, जैसे उधमपुर, ये भद्रवाह हो गए, या फिर सारे मड़ुआ हो गए। मंडी से भी मंगवाते हैं? नहीं, किराने वाले दुकान से। मेरे दो स्पेशल बंदा देने आता है। क्योंकि मैं पुंछ का रहने वाला हूँ ना, तो मेरा जन्म पुंछ में। हमारे यहाँ मंडी में भी ये राजमा जो है, नारदाना भी राजमा भी जी जी। तो राजमा अनारदाने में बनते हैं जी ये, और चटनी भी जो है अनारदाना की होती है। चावल, अभी मैं चावल लगा रहा हूँ जी। ये चावल, ये पानी देना है। चने? हाँ जी, ये चने आ गए। चने हैं और राजमा दोनों, बड़ी छोटी। राजमा और चने दोनों आप देख सकते हैं जी इसमें। ये आ गया तड़का, ये ऊपर से तड़का अलग से आया है। अनारदाने की चटनी, और ये अनारदाने की चटनी। प्याज, फोक में सब कुछ है जी। और ये इतना बड़ा है कि आप एक आदमी आराम से अपना पेट भर सकता है। अभी मैं कुलचा लगा रहा हूँ। ये देखिए जी, अब इसके बाद कुलचा लगेगा। ये आ गया कुलचा हमारा। ये कुलचा भी मतलब इसमें राजमा में डिप किया होता है। राजमा में डिप किया हुआ कुलचा है जी, नरम हो जाता है। अच्छा जी, ये मेल्ट हो जाता है। और ये आ गया पनीर का पीस। अरे वाह, पनीर का फिश ऐसे है जैसे कोई बड़ी फिश होती है, क्योंकि बड़ा कस्टमर जो है पनीर के पीछे ही आता है हमारे पास। जी आ गए चने, ये चने आ गए जी, और साथ में राजमा आ गया। अरे वाह, पनीर, चने, राजमा, तड़का, उसके बाद तड़का, और ये आ गई चटनी अनारदाने, और फिर अनारदाने की चटनी। ऊपर से आ गया जी प्याज। अब नवरात्रों में कल से प्याज की जगह क्या डालेंगे? मूली, और कल से फिर मूली आ जाएगी जी। एक और दे दियो। अरे वाह जी वाह, आप कब से खा रहे हैं जी? हो गए 10 साल। 10 साल से लगातार खा रहे हैं, क्या बात है जी। आप जम्मू से ही हैं? नहीं नहीं, मैं बाहर से। हाँ, पठानकोट से। पठानकोट से, तो यहाँ काम कर रहे हैं, बिजनेस है? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी। देखिए, पठानकोट से भी यहाँ खाने के लिए आते हैं, और भी जो लेना चाहे उसको सब मिलता है जी। कस्टमर का प्यार है, क्या बात है जी। इनका कहना है कस्टमर का प्यार है। ये देखिए जी, ये आ गया पनीर के लिए। पनीर, ये चने आ गए। चने आ गए जी, वाह। ये आ गए राजमा, राजमा आ गया जी पूरा, से कड़छी भर भर के सभी कुछ है जी। तड़का आ गया, उसके बाद अनारदाने की चटनी आ गई, प्याज, और यही स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है।
ये देखिए जी, बहुत खूब जी, धन्यवाद जी। ये देखिए जी, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर दोपहर का भोजन यहीं करते हैं। भारत में हमारे जो फास्ट फूड हैं, रोड साइड जितने ढाबे हैं, ये बहुत ही अधिक प्रचलित हो चुके हैं। की टाइमिंग क्या है जी? सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। और सुबह 4 बजे लगते हैं हम तैयार करने। तैयारी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है जी? राजमा बनाने, छोले बनाने, चावल, नहाने की चटनी। सही बात है जी। तो बनाने में कितने लोग लगते हैं? 2-3 बनते हैं। अच्छा जी, अब देखिए जी, पनीर के बाद राजमा, तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जी यहाँ। वैसे भी एक प्लेट खा के तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, एक पेट से पूरा पेट भर जाता है जी, पेट भर जाता है। ये देखिए जी, अनारदाना की चटनी आने के बाद प्याज और फिर प्याज ऊपर से। ये चरण दास जी की रेड़ी जो 1962 से सभी लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा रही है, और उनके नाती जो हैं इस समय बिना कोई छुट्टी किए नियमित रूप से यहाँ उन्होंने लगाया हुआ है। इसकी कॉस्ट कितनी है जी? चावल वाले वो ना मसाला वाला ना चटनी, चावल वाले पनीर कहाँ से आता है जी? ये हमारा डेयरी का पनीर होता है। अच्छा, हमारी पुरानी 50 साल की लाग लगी है ना। हाँ, फिर उधर से ही लाते हैं। एक ही जगह 50 साल से आपका जो डेयरी से ही पनीर वहाँ से आता है। क्योंकि प्योरिटी आती है ना एक जी, प्योरिटी फिर क्वालिटी फिर मेंटेन रखनी। बिल्कुल ठीक है जी। इसकी कॉस्ट कितनी है जी, कितनी कीमत है जी? पनीर डाल के 80 रुपीज है, और पनीर नहीं डाले तो 50 रुपीज। सिर्फ 50 रुपए का राजमा चावल है, पनीर के साथ 80 रुपए यानी कि 80 रुपीज, और जो कुलचा है वो भी सेम रेट है जी। अब डिपेंड करता है, अगर पनीर आपने डबल लेना है तो वो 130 रुपए का हो जाएगा, 50 रुपए का पीस बन जाएगा। हाँ जी, ये देखिए जी, जब से हम आए हैं तब से लगातार एक सेकंड रुके बिना भी आप लगातार प्लेट्स लगा रहे हैं और सबको खिला रहे हैं। ये है जी स्वाद, और उनके ग्राहक इसीलिए उनके पास दोबारा आते हैं क्योंकि उन्होंने स्वाद को मेंटेन किया हुआ है। करें जल्दी करें। चलिए जी, फूड जर्नी बाय निर्मल, इसी प्रकार से मैं आपको भारत में जहाँ भी अलग अलग व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन पूरे देश में, मैं कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक आप सबको उन सब जो रोड साइड है, मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाता हूँ, लेकिन जो भी स्वाद इस प्रकार से, और ये लोग आप देख सकते हैं कि इनकी बातचीत से कितने विनम्र हैं और दिल से ये खिलाते हैं सबको मुस्कुराते हुए, और उसी वजह से ग्राहक जो है इनके पास बार बार यहाँ आता है। ये देखिए जी, दो अलग अलग यहाँ, उधर कुलचा लग रहा है और इधर चावल लग रहे हैं, उसमें चने डाले हैं पहले, फिर राजमा, इधर ये पनीर के टुकड़े के बाद राजमा आ गया। ये देखिए जी, चने भी इसमें मिक्स हो जाते हैं। कुलचे तो नहीं पाना चाहिए, मिर्च तो पाना था, पनीर भी पाना, चावल भी, पनीर भी पाना था, चटनी पाना था। ये देखिए जी, ये चटनी आ गई इसमें। एक बार अब कुछ लोग खाने वालों से भी पूछते हैं इनके स्वाद के बारे में। नमस्ते जी। हाँ जी, आपको कैसा लगा? हाँ, बस यही बताओ, मैंने और कोई इंटरव्यू थोड़ी लेना है आपका। स्वादिष्ट है। कितने समय से खा रहे हैं? 10-12 साल से खा रहे हैं जी। ये इनका सुपुत्र है जी।
क्या नाम है आपका? मेरा विशाल बाली है। विशाल बाली, अरे वाह, मैं भी निर्मल वैद हूँ जी। क्या बात है, आप भी कितने वर्ष से खा रहे हैं? सर इतना हो ही गया मेरे को, 10-12 साल। 10-12 साल से। क्या कारण है इसको यहाँ? टेस्ट भी अच्छा है और प्राइस भी अच्छी है। प्राइस भी अच्छे और टेस्ट भी अच्छा है जी। ठीक है बाली साहब, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ चरण दास जी की रेड़ी पे बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं और उसका कारण है इनका स्वाद। इधर ये पैकिंग भी हो रहा है जी, देखिए इधर जो लोग पैक करा के घर लेके जा रहे हैं। तो आज आपको हमने चरण दास रेड़ी जो 1962 से इनके नाना जी ने आरंभ किया था और आज उनके दोते जो बचपन से ही उनके सहयोगी थे और उनकी मृत्यु के बाद, ये है जी। थैंक यू। बस 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 यहीं रहो, यहीं रहो खड़े। ये है जी चरण दास जी, लेट श्री चरण दास जी, जिन्होंने ये आरंभ किया था और आज उनके नाती यहाँ जी, जिनसे हमने अभी बातचीत किया जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहिए और सबको स्वादिष्ट खिलाते रहिए। आप क्या खाओगे? चावल खाओगे कुलचा? चलिए पहले अभी चरण दास जी के यहाँ हमने जो पूरी आपको वीडियो दिखाई किस तरह से वो तैयारी करके कैसे राजमा बनाते हैं, अब हमने अपने खाने के लिए लिए हैं राजमा चावल और पनीर। वाह जी वाह, सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। जम्मू के ही राजमा है, जम्मू के ही चावल हैं और पनीर भी, जैसे उन्होंने बताया 50 वर्षों से एक ही व्यक्ति से, एक ही डेयरी से पनीर मंगा रहे हैं ताकि उनको शुद्ध मिले। और ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप यहाँ आकर आनंद ले सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मैं भी खाता हूँ, आप भी लंच कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।